सो ये बन गया हमारा फायर फाइटिंग पंप रूम। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा फायर फाइटिंग पंप रूम बनाना, सो देखिए इस वीडियो को एंड रिपीट करिए प्रोसेस को और बनाइए अपने लिए फायर फाइटिंग पंप रूम। वेलकम टू माई चैनल क्लिक एंड डिज़ाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे कैसे फायर फाइटिंग टेम्पलेट प्रिपेयर करते हैं हम रैबिट में। जाएंगे न्यू में, देन सेलेक्ट करेंगे मैकेनिकल टेम्पलेट, प्रोजेक्ट टेम्पलेट। ओके, फाइटिंग टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंडर एक सब डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम नेम देंगे फायर फाइटिंग। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले हम HVAC के फ्लोर प्लान्स डुप्लीकेट कर लेते हैं। जैसे वन मैकेनिकल है, इसको राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट। ओके, ऐसे ही मैं सीलिंग प्लान वन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट। ओके, अब इनको रीनेम कर देते हैं, रीनेम वन फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग। ओके, सो ऐसे ही सीलिंग प्लान में मैं रीनेम कर देता हूँ वन सीलिंग फायर फाइटिंग, या फिर वन सीलिंग इन शॉर्ट फायर। ओके, सो मैंने डुप्लीकेट व्यूज क्रिएट कर लिए, बट ये है अंडर HVAC। अब इनको लाना पड़ेगा अंडर फायर फाइटिंग सब डिसिप्लिन के। सो उसके लिए सब डिसिप्लिन फायर फाइटिंग क्रिएट करना पड़ेगा। पहले करेंगे फ्लोर प्लान में, देन सीलिंग में। सो फ्लोर प्लान के लिए हम जाएंगे व्यू में, आप देखेंगे यहाँ पे है प्लान व्यूज, क्लिक करेंगे इस पर, देन फ्लोर प्लान। ओके, देन फ्लोर प्लान को एडिट करेंगे, एडिट टाइप में जाके मैकेनिकल प्लान पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको मैकेनिकल प्लान सेलेक्ट करके उसका डुप्लीकेट प्लान एडिट करना पड़ेगा। लेट से फायर फाइटिंग। ओके, सो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, फायर फाइटिंग टेम्पलेट बना लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया। देन उसकी व्यू प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सब डिसिप्लिन की जगह हम कर देंगे फायर फाइटिंग। सो हमारा जो सब डिसिप्लिन हो गया फायर फाइटिंग हो गया, अप्लाई करेंगे। ओके ओके एंड देन ओके। सो अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने फ्लोर प्लान में जो हमने फायर फाइटिंग का प्लान बना रखा था अंडर HVAC, उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ब्राउजर में जाएंगे, सब डिसिप्लिन में HVAC, उसको चेक करेंगे, फायर फाइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल के अंडर सब डिसिप्लिन फायर फाइटिंग क्रिएट हो गया है। ओके, ऐसे ही सीलिंग प्लान फायर को हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम फिर से प्लान व्यूज में जाएंगे, आप रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में जाएंगे, देन सीलिंग प्लान एडिट टाइप में जाएंगे, नन क्लिक करेंगे, देन फिर से मैकेनिकल सीलिंग को हम डुप्लीकेट करेंगे, हम इसको डाल देंगे फायर फायर फाइटिंग सीलिंग। ओके, देन नीचे स्क्रॉल करके सब डिसिप्लिन में HVAC की जगह फायर फाइटिंग सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई। ओके ओके ओके, सेलेक्ट करेंगे वन सीलिंग फायर, देन प्रॉपर्टीज ब्राउजर में जाके सब डिसिप्लिन को फायर फाइटिंग कर देंगे। ओके, सो आप देखेंगे मैकेनिकल के अंडर फायर फाइटिंग है एंड उसमें फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान क्रिएट हो गए हैं। तो अभी हमने सिर्फ प्लान्स को क्रिएट करा है फायर फाइटिंग में, देन अब फैमिलीज में जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर में, आप देखेंगे नीचे फैमिलीज है, देन पाइप सिस्टम्स में जाएंगे, पाइप सिस्टम ओपन करेंगे। देखिए फायर फाइटिंग में जो जनरली पाइप यूज होते हैं, फायर प्रोटेक्शन वेट होते हैं। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे फायर प्रोटेक्शन वेट, क्लिक करेंगे इस पर, राइट क्लिक करेंगे, टाइप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, देन इसका हम चेंज कर देते हैं कलर, यहाँ पे विजिबिलिटी पैटर्न सेलेक्ट करते हैं सॉलिड, कलर सेलेक्ट करते हैं रेड, क्योंकि फायर फाइटिंग आपने देखा होगा
रेड कलर होता है. ओके देन ओके ओके हमने पाइप सेटिंग्स क्लियर कर लिए. उसके बाद हमें क्रिएट करना पड़ेगा फायर के लिए एक पाइप. सिस्टम्स पे जाएंगे, पाइप सेलेक्ट करेंगे, पाइप टाइप्स में हम देखेंगे यहाँ पे चिल्ड वाटर एंड स्टैंडर्ड है. ओके पाइप्स तो चिल्ड वाटर को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके एडिट टाइप में हम क्लिक करेंगे. देन हम जाएंगे डुप्लीकेट चिल्ड वाटर पाइप जो है उसको हम डुप्लीकेट बना देंगे फायर के लिए. फायर पाइप ओके लेट्स से फायर पाइप ओके देन ओके. सो फायर पाइप में आप देखेंगे यहाँ सिस्टम टाइप हम सेव करेंगे फायर प्रोटेक्शन वेट एंड देन अप्लाई. तो ये बन गया हमारा पाइप फायर के लिए. अब हमें फिल्टर एक सेट करना पड़ेगा अपने फायर व्यू के लिए. तो जाएंगे उसके लिए व्यू में, देन आप जाएंगे फिल्टर्स में. ओके सो अभी हमें एक फायर व्यू के लिए फिल्टर सेट करना पड़ेगा. उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे न्यू में, फिल्टर का नाम रखते हैं लेट्स से फायर. ओके देन हम यहाँ पे कैटेगरीज में सेलेक्ट करेंगे कौन सी कैटेगरीज पे हम फिल्टर लगाने वाले हैं. सो यहाँ पे फिल्टर लिस्ट में आप पाइपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे. यहाँ पे पाइप एसेसरीज, पाइप फिटिंग्स, पाइप इंसुलेटर, पाइप प्लेस होल्डर्स, पाइप्स को सेलेक्ट करेंगे. ओके एंड देन फिल्टर के लिए रूल अप्लाई करेंगे ऑल सिलेक्टेड. पैरामीटर में हम सेलेक्ट करेंगे सिस्टम टाइप, देन ऑपरेटर हम लेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंगे हम फायर प्रोटेक्शन वेट. ओके अप्लाई कर देंगे फिल्टर. ओके फिर से जाएंगे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, देखेंगे यहाँ पे फिल्टर से सेलेक्ट कर हमने फिल्टर्स, देखेंगे यहाँ पे फायर फिल्टर नहीं है. सो उसको हम करेंगे ऐड, सेलेक्ट करेंगे फायर फिल्टर. ओके सो वो ऐड हो गया. अब हमें फायर फिल्टर को एडिट करना पड़ेगा. उसके लिए हम जाएंगे लाइंस में, ओवरराइड पे क्लिक करेंगे, पैटर्न को कर देंगे सॉलिड, देन कलर को कर देंगे रेड. ओके ओके देन पैटर्न्स नेक्स्ट. यहाँ पे भी हमें उसकी विजिबिलिटी को रेड करना पड़ेगा. विजिबिलिटी रेड होगी फोरग्राउंड की एंड देन बैकग्राउंड पाइप का जो होगा या फिर फायर फाइटिंग के एलिमेंट्स का पैटर्न कर देंगे सॉलिड, कलर कर देंगे रेड. ओके ओके अप्लाई. ओके तो फिल्टर हमने क्रिएट कर दिया. अब हम जाते हैं सिस्टम्स पे, पाइप सेलेक्ट करा हमने, एक पाइप क्रिएट करते हैं लेट्स से डायमीटर 100 mm. ये मैंने पाइप बनाया एक, विजिबिलिटी को चेंज करते हैं फाइन एंड देन शेडेड. तो देख सकते हैं ये एक फायर फाइटिंग का पाइप क्रिएट कर दिया मैंने. ओके तो ऐसे ही आप फायर के लिए पाइप्स क्रिएट कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट आता है सिस्टम क्रिएशन, मतलब फायर फाइटिंग का सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे हमने HVAC का करा था, हाइड्रोलिक सिस्टम क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही फायर फाइटिंग में आप जो है लेआउट क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ हमें प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी. सो सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी. तो प्रोजेक्ट को लिंक कर दें, इंसर्ट में जाएंगे, लिंक रेविट, देन मेरे पास एक प्रोजेक्ट सेव्ड है, प्रोजेक्ट को लिंक कर रहा हूँ. ये बेसिकली रेविट आर्किटेक्चर फाइल है, इसको मैं लिंक करूँगा और इसमें हम एक फायर फाइटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे. तो देखते हैं. सो हमारी फाइल जो है लिंक हो गई है एंड देन अब हम जाएंगे इसके ईस्ट मैकेनिकल व्यू में. हम देखेंगे यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो अलाइन नहीं है, तो लेवल्स को अलाइन कर लेते हैं. मॉडिफाई में जाएंगे लेवल, ये दोनों लेवल हमारे अलाइन हो गए. देन अब हम जाएंगे फायर के सीलिंग प्लान में. तो अब हम आ गए फायर की सीलिंग प्लान में. अभी हमें क्रिएट करनी है ग्रिड्स, जाएंगे आर्किटेक्चर में देन ग्रिड्स. ग्रिड्स हम प्लेस करेंगे स्प्रिंकलर्स के लिए ताकि एक रेफरेंस क्रिएट कर सकें हम. सो मैं रैंडमली ग्रिड प्लेस कर रहा हूँ अभी,
आप देख सकते हैं कैसे मैं अभी हॉरिजॉन्टली जो ग्रिड्स को प्लेस कर रहा हूँ, ये जस्ट रैंडम है। ओके, देन वर्टिकली ग्रिड्स चाहिए मुझे, ओके ग्रिड्स मैंने प्लेस कर दिए। अब मुझे हर ग्रिड के इंटरसेक्शन पे एक स्प्रिंकलर को प्लेस करना है, उसके लिए मैं जाऊंगा स्प्रिंकलर्स पे, सिस्टम्स, स्प्रिंकलर, एंड देन मेरे पास एक स्प्रिंकलर प्रेजेंट है, स्प्रिंकलर पेंडेंट 15 mm। ओके, एलिवेशन मैंने स्पेसिफाई करा उसका 2400, लेकिन उसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स से 2700। ओके, एलिवेशन उसका 2700 है, देन प्लेस करता हूँ मैं इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन पे। ओके, एक क्रॉस सेक्शन की हेल्प से मैं अपने स्प्रिंकलर को चेक करता हूँ की लोकेशन, सी दिस इज द लोकेशन, जाऊंगा सीलिंग फायर में, देन इस स्प्रिंकलर को मैं कॉपी करता हूँ हर इंटरसेक्शन पे, चेक करता हूँ मल्टीपल, एंड देन कंस्ट्रेंट और पिक पॉइंट करता हूँ इसका इंटरसेक्शन जब तक ये ट्राइंगल नहीं बन जाता। ओके, पिक, देन अब मैं इनको करूँगा ड्रॉप हर इंटरसेक्शन पे। ओके, सो अब मुझे इनको फिर से कॉपी करना है फिल्टर पे, स्प्रिंकलर्स कॉपी हो गए, देन फिर से करना है कॉपी कंस्ट्रेंट एंड मल्टीपल, सेलेक्ट करूंगा इसका सेंटर सर्कल का, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मुझे इनको प्लेस करना है हर इंटरसेक्शन पे, तो आप देख रहे हैं कैसे मैं इनको प्लेस कर रहा हूँ। ये हो गए प्लेस। ओके, अभी हम इन स्प्रिंकलर्स की हेल्प से क्रिएट करेंगे एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ऑटोमेटिक लेआउट। उसके लिए हम सारे स्प्रिंकलर्स को सेलेक्ट करेंगे, विंडो बना के फिल्टर, देन रेविट को अनचेक कर देंगे, स्प्रिंकलर को सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे मॉडिफायर टैब में, पाइपिंग में, पाइपिंग, देन फायर प्रोटेक्शन वेट सिस्टम टाइप, सिस्टम नेम आप मॉडिफाई कर सकते हो एज पर विश, ओपन इन सिस्टम एडिटर पर चेक करेंगे, देन ओपन ऐड टू सिस्टम में आप देखेंगे सारे स्प्रिंकलर्स मैंने ऐड कर लिए। ओके, सेलेक्ट इक्विपमेंट, हमारे पास अभी नहीं है इक्विपमेंट तो चेक नहीं करेंगे, देन करेंगे फिनिश एडिटिंग सिस्टम पे चेक। ओके, अब जाएंगे स्प्रिंकलर्स पे, ऐप प्रेस करेंगे तो देखिए ये अभी एक हमारा एक सिस्टम क्रिएट हो चुका है। ओके, देन प्रेस करेंगे जनरेट लेआउट, अब देखेंगे एक लेआउट जनरेट हो गया है, इसमें आप उसको 3D में भी खोल सकते हैं, ये देखिए ये इसका 3D व्यू है, जाएंगे सीलिंग फायर में। ओके, सेटिंग्स पे जाएंगे, मेन जो पाइप है उसका ऑफसेट आप देख सकते हैं, देन ब्रांच का ऑफसेट आप देख सकते हैं, ब्रांच को मैं कर देता हूँ लेट्स से 2800। ओके, देन फिनिश लेआउट। तो देखेंगे हमारा लेआउट जो है बन चुका है। ओके, इसको 3D में देखते हैं तो सी कैसे एक फायर सिस्टम आप क्रिएट करते हैं रेबिट में। अपने सिस्टम को चेक करने के लिए आप जाएंगे व्यू में, देन यूजर इंटरफेस सिस्टम ब्राउजर पर चेक करेंगे, आप देखेंगे पाइपिंग अंडर एक फायर प्रोटेक्शन वेट सिस्टम बन चुका है, चेक करेंगे उस पर, उसी आपका सिस्टम चेक हो रहा है। ओके,
तो हमने ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है फायर प्रोटेक्शन में। तो ये था हमारा सिस्टम क्रिएट करना। अभी हम मैन्युअली कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे, स्प्रिंकलर्स को मैन्युअली कैसे कनेक्ट करते हैं पाइप से। उसके लिए हम इन सारे पाइप्स को और फिटिंग्स को डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं फिल्टर, पाइप फिटिंग्स डिलीट करने, पाइप डिलीट करने, रेबिट लिंक डिलीट नहीं करना, स्प्रिंकलर डिलीट नहीं करने, ओके, देन कीबोर्ड से डिलीट, ओके। जाएंगे व्यू में, यूजर इंटरफेस, सिस्टम ब्राउजर, तो जो हमने सिस्टम बनाया था उसको हमें अपना ही चाहिए, डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम खुद ही अब क्रिएट करेंगे सिस्टम मैनुअली। तो फिर से हम एक पाइप ड्रॉ करेंगे, सिस्टम्स में जाएंगे, पाइप सेलेक्ट करेंगे, फायर पाइप, उसका डायमीटर लेट्स से 80 mm एंड एलिवेशन 3400 सेलेक्ट करेंगे और मिडल में स्केच करेंगे एक पाइप। अब मुझे इन स्प्रिंकलर्स को इस पाइप से कनेक्ट करना है, उसके लिए मैं स्प्रिंकलर पे क्लिक करूंगा, देन कनेक्ट इनटू मेन पाइप। तो कनेक्शन देखें अपने आप बन रहे हैं। ऐसे ही दूसरे स्प्रिंकलर को पिक करूंगा, कनेक्ट इनटू पाइप, तो कनेक्शन बनते चले जाएंगे। सेक्शन पे जाके देखते हैं इन पाइप्स को, सेक्शन को एलंगुएट करते हैं, गो टू व्यू। अब देखें आपके स्प्रिंकलर्स अटैच हो गए हैं मेन ब्रांच से। फिर से सीलिंग में जाएंगे। अब हमें यहाँ पे स्प्रिंकलर्स को अटैच करना है इस पाइप से। तो अभी देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास फिटिंग है वो टी है, तो हमें इसको क्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम टी को सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो प्लस है इस पर क्लिक करेंगे, सो ये बन जाएगा क्रॉस। अब क्रॉस से फिर से हमें एक पाइप ड्रॉ करना है, ड्रॉ करेंगे पाइप, उसका डायमीटर होगा 15 mm, इसको लेके जाएंगे एंड एंड वाले स्प्रिंकलर पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक तब करेंगे जब ये पिंक सर्कल आ जाएगा, ओके, क्लिक करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। देन मिडल वाले को भी क्लिक करेंगे, हम स्प्रिंकलर को सेलेक्ट करेंगे मिडल, सेक्शन में जाते हैं और चेक करते हैं कुछ प्रॉब्लम है, गो टू व्यू। कोई पाइप फिटिंग बाकी रह गई है तो डिलीट नहीं हो पाई है, वो डिलीट करेंगे, ओके। फिर से स्प्रिंकलर को हम सेलेक्ट करेंगे, देन कनेक्ट इनटू पाइप। तो ऐसे ही आपको कनेक्शंस करने, सो मैं इस फ्लोर प्लान पे जल्दी से सारे कनेक्शन कर देता हूँ ताकि हम आगे पंप रूम बना पाए फायर फाइटिंग के लिए, ओके। तो देखिए मैंने सारे स्प्रिंकलर्स को कनेक्ट कर दिया इस पाइप से, रिव्यू में देखते हैं। सो देखिए हमारा पूरा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है स्प्रिंकलर्स का 3D में। अब हमें क्रिएट करना है एक फायर फाइटिंग पंपिंग रूम। सो फायर फाइटिंग पंपिंग रूम इन केस ऑफ फायर वाटर प्रोवाइड करता है इन स्प्रिंकलर्स को विद प्रेशर। सो हम अब एक पंपिंग रूम क्रिएट करेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स हम अब आगे बनाएंगे फायर फाइटिंग पंपिंग रूम। सो पंपिंग रूम जो होगा हमारे फ्लोर प्लान में होगा 1 fire। सो उसके लिए मैं सिस्टम्स में जाके मैकेनिकल इक्विपमेंट चूज करता हूँ और टैंक चूज करता हूँ। सो अभी मेरे पास जो अवेलेबल टैंक है वो ये है, ओके। एक टैंक को मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे फ्लोर पे एंड इसको अभी मैं करूँगा रोटेट, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है वो लेफ्ट साइड पे और हमारा जो मेन पाइप है वो है राइट साइड पे। सो 180 डिग्रीज पे इसको रोटेट करूँगा। सो ये हो गया रोटेट। अब मुझे इसको कॉपी करना है क्योंकि मुझे एक टैंक नहीं कई टैंक्स चाहिए एक साथ सीरीज में। सेलेक्ट करा मैंने बेस पॉइंट,
देन लेट्स से 800 के गैप पे मैं इनको कॉपी करता हूँ, लेट से 5 टैंक्स होंगे हमारे पास। ओके बेसिकली ये वाटर टैंक्स हैं, अभी ये एज अ रिजर्वॉयर का काम करेंगे अभी। तो अभी हम पाइप स्केच करेंगे और इन सभी टैंक्स को हम सीरीज में ला देंगे, इन सभी पाइप्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैं पाइप्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए मैनुअल वर्क रेविट में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मैनुअली भी कनेक्शंस करने आने चाहिए, मैनुअली आपको वर्क करना आना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा ऑटोमेटिक लेआउट्स वर्क नहीं करते। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप मैनुअली हैंड वर्क करें। ओके सो देखिए ये सारे टैंक्स मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों टैंक्स को मुझे कन्वर्ट करना है एक पंप से। सो मैं पंप की फैमिली के लिए जाऊंगा मैकेनिकल इक्विपमेंट में, एंड देन देखता हूँ यहाँ पे है पंप मेरे पास। सो यहाँ पे पंप नहीं है, उसके लिए मैं लोड फैमिली करूँगा, देन सेलेक्ट करूँगा मुझे चाहिए पंप बेस माउंटेड ये वाला। ओके सेलेक्ट करूँगा। सो देखिए ये है हमारा पंप, ऐसे मैं दो पंप्स प्लेस करूंगा, वन एंड टू। ओके तो पंप्स को मैंने प्लेस कर दिया है। ओके अभी जो मेरे पास ये मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं इनकी जो शेड है अभी येलो है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसको ब्राइट कर देता हूँ, ले जाऊंगा मैं व्यू में विजिबिलिटी ग्राफिक्स। अब देखेंगे मैकेनिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे मैंने हाफ टोन चेक कर रखा है, इसको अनचेक कर दूंगा अप्लाई। ओके सो देखिए थोड़े ब्राइट हो गए। ओके सो अब मुझे इन पम्प्स को भी टर्न करना पड़ेगा एज पर द डिज़ाइन, एज पर द रिक्वायरमेंट। सो इनको मैं रोटेट करूँगा 90 डिग्रीज पे, बेस सेलेक्ट करा देन 90 डिग्रीज पे रोटेट कर लिया। ओके एंड देन इस पम्प को मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, लेट से ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इस पंप को। एंड अब दूसरे पंप को भी, या फिर इसको डिलीट कर देते हैं और इस पंप को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, ये पिक करा मैंने पॉइंट एंड देन ये कर दिया मैंने इसको कॉपी। ओके सो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी इन रिजर्वॉयर्स को कनेक्ट करना है इन पंप से। सो हम एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे, सेक्शन ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये रहा सेक्शन मैंने बना दिया है, देन सेक्शन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, देन गो टू व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंप और रिजर्वॉयर्स। अभी मुझे यहाँ से एक पाइप स्केच करना है पंप से, ये मैंने स्केच कर दिया एक पाइप। ओके एंड देन एक पाइप यहाँ से मुझे आउट का क्रिएट करना है, ड्रॉ पाइप, एंड देन ये पाइप भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं जाऊँगा फिर से फायर व्यू में। ओके बेटर रहेगा मैं इस पूरे सिस्टम को कॉपी कर लूँ, कॉपी देन सेलेक्ट करूँगा इसका मिड पॉइंट, पिक करूँगा इसको एंड देन इसको प्लेस कर दूंगा इन दोनों रिजर्वॉयर्स के बीच में। तो देखिए प्लेसमेंट हो गई है। ओके सो अब मुझे इस पाइप को कनेक्ट करना है रिजर्वॉयर से, ये मैंने कर दिया इनको कनेक्ट। ओके ऐसे ही दूसरे पंप को मैं कनेक्ट कर दूंगा रिजर्वॉयर से, ये हो गए कनेक्ट। ओके सो देखिए ये तो हमारे मेन पंप है, जो कि एट द टाइम ऑफ फायर पंप करेंगे वाटर हमारे मेन पाइप में। सो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हम इन दोनों पंप के बीच में एक जॉकी पंप भी लगाते हैं। जॉकी पंप बेसिकली प्रेशर क्रिएट करता है
अगर बाय चांस जो आपके पंप हैं वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पाते इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हम जॉकी पंप की हेल्प लेते हैं। जॉकी पंप बेसिकली प्रेशर को मेंटेन रखता है। ओके, सो जॉकी पंप के लिए हम एक पंप सेलेक्ट करते हैं छोटा सा। उसके लिए जाएंगे हम सिस्टम्स में, मैकेनिकल इक्विपमेंट, लोड फैमिली, एंड देखेंगे यहाँ पे पंप्स। सो देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंप है। आई थिंक पंप वर्टिकल काम करेगा चौकी पंप का। तो मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे दोनों पंप्स के बीच में। ओके, अभी मेरा काम है पंप से, दोनों पंप से जो आउटपुट आ रहा है उन दोनों को जोड़ना। सो उसके लिए मैं एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि वर्टिकल होगा। ओके, व्यू को मिनिमाइज करता हूँ एंड देन गो टू व्यू। अब आप इस व्यू में देख सकते हैं सारे पंप्स जो दिख रहे होंगे आपको। अब मुझे इन दोनों पंप्स के पाइप्स को जोड़ना है, ड्रॉ पाइप, एंड देन ये मैंने इनको जोड़ दिया। ओके, अभी हम ये देख सकते हैं जो वर्टिकल पंप है उसका थोड़ा प्रॉब्लम है ऑफसेट से। सो इसको हम लिफ्ट करते हैं क्योंकि इसके पास फंडामेंट नहीं है अपना, और जो ये दूसरे पंप है उनके पास अपना फंडामेंट है। तो थोड़ा सा इसको राइज कर देते हैं, लेट से 20, देखते हैं कि थोड़ा कम है ये। सो अबाउट 150 राइज कर देते हैं इसको। ओके, तो अब ये थोड़ा बेटर रहता है। हम इसको कर देते हैं 200 ऑफसेट। सो ये राइज हो गया हवा में। ओके, फायर में जाएंगे फिर से। अब हमारा काम है इस वर्टिकल पंप को भी इन रिजर्वॉयर से कनेक्ट करना। सो उसके लिए मैं इस टी पे क्लिक करूंगा एंड देन प्लस पे क्लिक करूंगा। सो ये बन जाएगा क्रॉस। क्रॉस पे क्लिक करूंगा देन यहाँ से मैं एक पाइप क्रिएट कर सकता हूँ, ड्रॉ पाइप। ओके, जो ये पाइप होगा इसका थोड़ा डायमीटर हम कम कर देते हैं, लेट से 40, एंड देन इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, अभी हम सेक्शन को लेके जाएंगे वर्टिकल पंप के पास, जॉकी पंप के पास, एंड गो टू व्यू। तो देखिए हम अभी इन दोनों पंप्स को, हम अभी इस पंप को इस पाइप के अबाउट अलाइन कर देते हैं। इसमें से हम पाइप स्केच करते हैं एंड देन इन दोनों को अलाइन करते हैं। तो हम जाएंगे मॉडिफाई में, अलाइन, देन ये हो गया हमारे लाइन। अब हमें इनको कनेक्ट करना है। सो हम पाइप को ट्रैक करेंगे और दूसरे पाइप पे ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हो गए हैं कनेक्ट। ओके, सो अभी हमें इसका आउटपुट कनेक्ट करना है। तो जाएंगे फायर में फिर से, और अभी हमें इसका आउटपुट कनेक्ट करना है। उसके लिए हम फिर से एक पाइप ड्रॉ करेंगे। फिर से जाएंगे सेक्शन में, सेक्शन, गो टू व्यू, देन एक पहले इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं व्यू को ताकि हमें पाइप दिखे अपना, वो रहा हमारा मेन, देन आउटपुट, देन आउटपुट, ड्रॉ पाइप। अलाइन करने के लिए इनका ऑफसेट वैल्यू दोनों का सेम कर देते हैं। ये है इस पाइप का ऑफसेट 1962 और इसका ऑफसेट है ये, इसको भी चेंज कर देते हैं, 1962 कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा पाइप ड्रॉ सेम ऑफसेट लेवल पे, एंड इन दोनों पाइप्स को हम कर देते हैं कनेक्ट यहाँ पे। सो ये हो गया हमारे कनेक्शन। जाते हैं फिर से फायर प्लान में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चौकी पंप हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, अभी हमें इस मेन पाइप को ज्वाइन करना है फायर फाइटिंग के मेन पाइप से। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो ज्वाइन होगा हमारे मेन पाइप से। सो अब आउटपुट स्केच करते हैं, जाते हैं सेक्शन में, गो टू व्यू,
अभी इन दोनों से हम आउटपुट लेंगे, उसके लिए सिस्टम्स देन पाइप, पाइप लेंगे हम, फायर पाइप, पाइप लूंगा, देन ये यहां से और एक यहां से म्यूचुअल पाइप। अब म्यूचुअल पाइप के लिए यहां पाइप फिर से लेंगे, देन फायर फाइटिंग पाइप सेलेक्ट करेंगे एंड देन ये हो जाएगा हमारा मेन पाइप। इन दोनों सब पाइप से, या फिर ये हो जाएगा हमारा मेन पाइप, इन दोनों पंप से जाएंगे फिर से फायर में। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन पाइप जो कि स्प्रिंकलर्स पे जा रहा है। अब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस पाइप से जो हमने अभी जस्ट बनाया है। उसके लिए हम इस पाइप को ड्रॉ करते हैं फर्दर। एंड देन टर्न करते हैं, ओके। देन फिर जब हम जाएंगे इस सेक्शन में, सेक्शन में जाके देखते हैं, गो टू व्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पाइप्स को जोड़ना है। तो ये है हमारा मेन पाइप, ओके। सो यहाँ से ड्रॉ करेंगे पाइप एंड देन यहाँ पे मैं ये क्या, ओके। अभी हमें इन पाइप्स को अलाइन करना पड़ेगा, तो फायर प्लान में जाते हैं, देखते हैं पाइप अभी अलाइन नहीं है। सो जाएंगे हम मॉडिफाई में, अलाइन इन पाइप्स को अलाइन कर देंगे ताकि हमें इनको जोड़ने में आसानी हो। सो ये देखें पाइप दोनों जुड़ गए हैं। सो ये हमने पाइप जोड़ दिए, ओके। देन हम जाएंगे फिर से सेक्शन में, गो टू व्यू। देखिए यहाँ पे ये सारे पाइप्स जुड़ गए हैं आपस में, ओके। अब बारी आती है पाइप एसेसरीज की, हमें अब पाइप एसेसरीज फिट करनी पड़ेंगी। सो उसके लिए हम लेंगे वॉल्स, सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे है पाइप एसेसरीज। पाइप एसेसरीज लोडेड नहीं है, सो उनको लोड कर लेते हैं। आएंगे फोटोसाइट कंपोनेंट्स, नहीं है यहाँ पे भी एमईपी, देन फोटोसाइट कॉम्प क्लिक करेंगे। सो ये रहे वो फैमिली सेलेक्ट करेंगे, देन हम अपने प्लान में हर जगह ये वॉल फिट कर देंगे के ऐसे मैं इनको फिट कर रहा हूँ। वॉल्स जो होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी पाइपिंग सिस्टम के लिए। ये प्रेशर को मेंटेन करते हैं एंड देन डिस्चार्ज को कंट्रोल भी करते हैं। सो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, और एक वॉल्व मेन पे भी, ओके। सो ये हमने वॉल्स प्लेस कर दिए अपने सिस्टम में। तो देखिए हमने वॉल्स क्रिएट कर दिए। उसके बाद हमें एक प्रेशर रिलीज वॉल्व फिक्स करना पड़ेगा। उसके लिए जाएंगे हम इस सेक्शन में, देन गो टू सेक्शन। सो अभी हम एक पाइप बनाएंगे, पाइप लेट्स से डायमीटर 20, ये हमने पाइप बनाया, ओके। अब इस पाइप पे हमें प्रेशर गेज लगाना पड़ेगा, उसके लिए जाएंगे पाइप एसेसरीज में। ये रहा हमारे पास प्रेशर गेज, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रेशर गेज भी लगा दिया ताकि अगर हमें
जरूरत पड़े तो हम प्रेशर को इस मेजर भी कर सकते हैं यहां से. सो ओके, अब हम क्रिएट करेंगे प्रेशर रिलीज वॉल्व्स. फिर हम सेक्शन को लिखे जाएंगे थोड़ा आगे पंप के पास. देन गो टू व्यू. सो देख सकते हैं ये है हमारा पंप और यहाँ से इस पाइप से हमें एक प्रेशर रिलीज वॉल्व रिलीज करना पड़ेगा. ये मैंने पाइप को स्केच किया एंड देन मुझे इसके एंड पे एक पाइप वॉल्व लगाना पड़ेगा. ये रहा वॉल्व, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ पाइप के एंड में. तो ये हो गया प्रेशर को रिलीज करने के लिए. ओके, ऐसे ही दूसरे पाइप में भी मैं प्लेस कर दूंगा. फिर से जाऊंगा फायर में, देन इस व्यू को थोड़ा पीछे लाएंगे, देन गो टू व्यू. और ऐसे ही हमें एक और पाइप स्केच करूंगा एंड देन वॉल्व को प्लेस कर दूंगा इसमें. क्लिक करूंगा एंड देन थोड़ा सा पाइप बना के छोड़ दूंगा. सो ये जो वॉल्व्स हैं प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए अपने वर्क को देखते हैं 3D में. अब हम अपने फायर फ्यूम में प्लेस करेंगे एक डीजल पंप. उसके लिए मैं जाऊंगा सिस्टम्स में, देन मैकेनिकल इक्विपमेंट. सो देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक डीजल पंप. उसके लिए मैं उसको प्लेस करने के लिए यूज करूंगा प्लेस ऑन वर्क प्लेन. एंड देखिए ये है मेरा डीजल पंप, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा. ओके, देन इसके कनेक्शंस करेंगे. देखिए अभी हमने जो यूज करे थे वो इलेक्ट्रिक पंप्स थे 1 और 2, और ये थर्ड है डीजल पंप जो कि रन करेगा डीजल पे. ओके, इन केस ऑफ फायर लेट से अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है सो ये पंप्स काम नहीं करेंगे और हमारा फायर सिस्टम भी काम नहीं करेगा. ओके, तो इसलिए हम एक डीजल पंप पैरेलली प्लेस करते हैं फायर सिस्टम में, ताकि इन केस ऑफ नो इलेक्ट्रिसिटी हम डीजल से पंप चला सकते हैं एंड पंप से आप फायर सिस्टम को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इसके कनेक्शन करते हैं वाटर रिजर्वायर से. क्लिक करूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये है इनलेट, वाटर इनलेट. डायमीटर चेंज कर दूंगा अबाउट 80. ये मैंने इसका इनलेट प्रोवाइड कर दिया. देन आउटलेट में डायमीटर 80. ये मैंने प्लेस कर दिया इस पे. इस पंप को कनेक्ट कर देंगे. सो इस डीजल पंप को कनेक्ट करने के लिए मैं पाइप स्केच करूंगा पाइप. ओके, फायर फाइटिंग पाइप 80 mm. मैं उसको मैं उसको रैंडमली यहां से कनेक्ट कर देता हूँ. लेट्स से ये मैंने कनेक्ट किए एंड देन यहां से कनेक्ट कर देता हूँ. ओके, देन यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ पाइप सेटिंग वॉल्व को एंड एक यहाँ पे. और अब ओके, देन इस ब्रांच से मैं कनेक्ट करूंगा इस पाइप को. उसके लिए हम सेक्शन में जाएंगे, गो टू व्यू. रिजर्वॉयर से आ रहा है, हम उसको एक्सटेंड करेंगे. सो ये पाइप हमारा रिजर्वॉयर से आ रहा है. ड्रॉ करेंगे पाइप एंड देन एक लूप बनाएंगे और
कनेक्ट करेंगे इस डीजल पंप में। तो डीजल पंप से भी हम पाइप बनाते हैं, क्रिएट पाइप, डायमीटर लेंगे 80 एंड देन ट्राई करेंगे इसमें ज्वाइन करने की। ओके, तो ये ज्वाइन हो गया एंड देन इस पाइप में से आएगा आउटपुट एंड देन डीजल पंप में से चाहिए हमें आउटपुट। आउटपुट लेंगे डायमीटर 80 एंड देन इसके बाद ये जाएगा हमारे मेन राइजर में जाके अटैच हो जाएगा। तो थोड़ा काम कर लेते हैं एंड देन यहाँ से पाइप ड्रॉ करते हैं जो कि राइजर में जाके जो हमारा फायर फाइटिंग का राइजर है उसमें जाके अटैच हो जाएगा। ओके, सो इसको देखते हैं फायर व्यू में। तो देखिए ये आ रहा है हमारा जनरेटर का पाइप और इसको हम जॉइन कर सकते हैं हमारे फायर के मेन पाइप में। ओके, सो आप देख सकते हैं ज्वाइन हो गया। अभी हमें एक चेक वाल्व लगाना पड़ेगा, उसके लिए जाएंगे सिस्टम में देन एक्सेसरी लेंगे और एक वॉल्व यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये वॉल्व प्लेस नहीं हुआ है, वॉल्व को प्लेस करते हैं पाइप में। हिट करते हैं फिर से क्योंकि कनेक्ट देन एक चेक वॉल्व हम इस पाइप में भी यहाँ पे फिक्स करते हैं, एसेसरीज से लेते हैं एंड देन देन हमें जरूरत पड़ेगी एक चेक वॉल्व की, हमें जरूरत है अभी चेक वॉल्व की। लेंगे वॉल्व एंड देन प्लेस कर देंगे चेक वॉल्व, लेंगे हमें जरूरत है चेक वॉल्व की, चेक वॉल्व लेंगे एंड देन प्लेस कर देंगे उसको से यहाँ पे। तो हमने एक जनरेटर सेट भी लगा दिया। ओके, और अभी इसके फायर प्लान में जाएंगे। तो देखिए ये है हमारा फायर प्लान। अभी यहाँ पे हम कुछ एसेसरीज लग देते हैं जैसे कि मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाएंगे, लोड फैमिली, कैबिनेट्स, कुछ कैबिनेट्स को प्लेस कर देते हैं। तो ये भी हमसे वर्टिकल फेस पूछ रहे हैं, सो देखिए ये है वर्टिकल फेस। तो यहाँ पे हम कुछ कैबिनेट्स लगा देते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ कैबिनेट्स प्लेस कर दिए हैं। देन अभी हमें एक वॉल्व और लगाना पड़ेगा यहाँ पे एंड में ताकि वाटर को रिलीज कर सकें सिस्टम से। पावर प्लांट में जाएंगे देन आप देख सकते हैं ये है वो एल्बो, प्लस करेंगे इस पे ई बन गया। देन ड्रॉ पाइप, एक पाइप ड्रॉ करेंगे और इस पाइप पे हम एक वॉल्व को प्लेस कर देंगे। देखिए इस वॉल्व का काम होता है वाटर को
रिमूव करना फ्रॉम द सिस्टम। ओके, तो यहाँ से आप वाटर को रिमूव कर सकते हैं ताकि पाइप में कॉरोजन ना हो, क्योंकि आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इन पाइप्स में पानी भरा रहता है। सो हमें इन पाइप्स को मेंटेन करना पड़ता है साल में एक दो बार, ताकि इन पाइप्स में कोरोजन ना हो और ये सिस्टम ख़राब ना हो। अब हम देखते हैं 3D में, तो लगभग हमारा पावर प्लांट बन चुका है।